औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। होप यू आर फाइन एंड सेफ एट होम स्टूडेंट्स। टुडे इज़ माय लेक्चर नंबर 16 एंड टॉपिक इज एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि हमारे पास जो डिवीजन मेथड हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, एचसीएफ का हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, एचसीएफ वो बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने अपने लेक्चर नंबर 14 में आप लोगों को ब्रीफली डिस्क्राइब किया था इसके बारे में। इसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन हुई थी कि हमारे पास एचसीएफ फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स हैं, बाय डिवीजन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और एलसीएम फाइंड आउट करने के भी 2 ही मेथड हम लोगों ने डिस्कस किए थे, बाय डिवीजन मेथड एंड बाय प्राइम मेथड। तो लेक्चर नंबर 15 में हम लोगों ने अपने जो डिस्कस किए हैं, अपने हम लोगों ने जो इसके करवाए हैं, डिस्कस किए हैं, वो किए हैं हम लोगों ने एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन लेक्चर नंबर 15 में। तो आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास इसका पार्ट ए मैं सॉल्व करती हूँ। पहले पार्ट ए हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 39, 93, 54। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है बाय डिवीजन मेथड। एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको जो उसकी ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं उनको पहले लेते हैं। ग्रेटर वैल्यू दोनों लेते हैं, उसमें से जो ग्रेटर वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट होती है वो हमारी बन जाती है डिवाइडेंड, और जो स्मॉल उससे स्मॉलर होती है वो बन जाती है डिवाइज़र। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, 54 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 54 1 ज़ा 54, 2 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 108, जो कि हमारे पास आंसर इसका क्या है, स्मॉलर है। अब हम लोग 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर ये आ गया। अब हम लोगों ने 93 में से 54 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 39। अब 39 और 54 जो है, ये इनमें से जो ग्रेटर वैल्यू है वो है 54, वो हमारा बन जाएगा डिवाइडेड, और 39 हमारा बन जाएगा डिवाइजर। अब हम लोग 39 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 39 1 ज़ा 39। 39 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 78, जो कि उससे ग्रेटर आ रहा है, तो 1 ज़ा 39। अब हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे, 54 में से हम लोगों ने 39 माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हम लोगों ने इसको माइनस किया तो आंसर हमारे पास आ गया 15। क्या आंसर आया हमारे पास, 15। तो अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई, अब हम लोगों ने यहाँ पे 39 लिखना है, 39 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 30, 15 2 ज़ा 30। इसमें हमारे पास 9 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 15, तो 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, तो 9 1 ज़ा 9 ही आएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे आ गया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 6, तो 6 आ गया। अब हम लोग 6 को यहीं से स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। अब हम लोगों के पास 6 आ गया है, तो यहाँ पे अब हम लोग 6 जो है वो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है, 9 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 3 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारे पास सॉल्व करके आंसर जो है वो आ गया 3 आ गया। अब ये जो आंसर 3 आया है, इसको हम लोग अपनी रिमाइंडर जो बाकी वैल्यू है हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर, हम लोग अगर इसको 39 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 9, हमारा नीचे 3 3 ज़ा 9, तो ये हमारे पास क्या हो गई एक्सरसाइज, हमारे पास ये हमारे पास सॉल्व हो गई। तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आया और यहाँ पे आंसर आया वो हमारा क्या हो गया, HCF इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3 आ गया। तो इट्स मीन कि इसका HCF जो है वो क्या है, 3 है। 39, 93 एंड 54 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है, इसका HCF लें तो आंसर आ जाता है 3। तो जब हम लोग इन वैल्यूज़ को 3 से डिवाइड करेंगे तीनों वैल्यूज़ को, तो हमारी कंप्लीट वैल्यू जो है वो इस पर डिविजिबल होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है पार्ट बी। कुछ पार्ट्स मैं सॉल्व करूंगी स्टूडेंट्स, और बाकी के पार्ट्स जो हैं वो आप लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट बी है, बी हमारे पास है 48, 56 एंड 68।
अब हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू 68 है, 56 से इसको डिवाइड करेंगे, 56 वंस आर 56, इसको इसमें से माइनस किया, आंसर आ गया 12, 56 को 56 हमारा ग्रेटर हो गया, इसको हम लोग यूज़ करेंगे एज अ डिवाइडेंड और हमारे पास 12 आ जाएगा एज अ डिवाइज़र, जो रिमाइंडर आता जाएगा तो वो हमारे पास क्या बनता जाएगा, वो हमारा डिवाइज़र बनता जाएगा। अब हम लोगों ने 12 का टेबल पढ़ना है, आंसर 56 के नियरेस्ट आए, तो 12 फोर आर 48, 56 में से 48 माइनस किया तो आंसर हमारे पास आ गया 8, 12 यहाँ आ गया, 8 वन ज़ार 8, इसमें से माइनस किया 4 आ गया, 8 यहाँ पे, 4 वन ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, 0 बच गया। अब हमारे पास रिमाइंडर इसका लास्ट पे क्या रिमाइंडर क्या बचा, 4 बचा, तो अब हम लोग इस 4 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 48 से, 4 को 48 से डिवाइड करेंगे, 4 वन ज़ार 4, 8, 4 टू ज़ार 8, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आया। तो अब अगर हम लोग अपनी गिवन वैल्यूज़ को 48 को 56 को 68 को अगर हम लोग अपना 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट 4 का डिविजिबल होगी, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आया है HCF इज इक्वल टू है 4। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर उसी, अब हम लोग सी और डी पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, सी और डी पार्ट स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद इसी तरह से सॉल्व करना है। अब मैं इसका पार्ट सॉल्व करने लगी हूँ, अब मैं इसका ई पार्ट सॉल्व करूँगी, आप लोगों ने इसका सी और डी पार्ट आप लोग अपनी रफ नोटबुक्स में खुद सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके देखना है इसी मेथड से जिस मेथड से मैंने आप लोगों को बताया है। सबसे पहले हम लोगों ने इसका क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम लोगों ने इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू दो लिखनी है, सबसे ग्रेटेस्ट को हम लोगों ने अपना डिवाइडेड और उससे स्मॉलर जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी डिवाइज़र। 35 ई पार्ट है हमारे पास 35, 42, 77, इसका भी HCF फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग अपनी दो ग्रेटर वैल्यूज़ को लेंगे, ये वाली हमारे पास दो ग्रेटर हैं, अब इसमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो है 77 और जो इसमें जो है हमारे पास 42, वो हमारे पास आ जाएगा इसका डिवाइज़र आ जाएगा। 42 को 41 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 42 आता है, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर हमारे पास आ जाता है 84, मतलब 77 से ग्रेटर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 42 वन ज़ार 42, हम लोगों ने इसको इसमें से माइनस किया, आंसर हमारे पास क्या आ गया 5 और 1, हमारे पास आंसर यहाँ पे आ गया 7 में से 4 माइनस करें आंसर आ गया 3, तो हमारे पास आंसर बन गया ये 35। अब ये हमारे पास 42 यहाँ पे आ गया, यहाँ ये हमारा 42 35 से ग्रेटर हो गया, इसलिए ये वाला 42 यहाँ पे आएगा। जब तक हमारा रिमाइंडर हमारे डिवाइज़र से स्मॉलर नहीं आएगा तब तक हम लोग उसको एज अ डिवाइज़र नहीं लिखेंगे। अब ये हमारे पास 35 आ गया, 35 वन ज़ार 35, अब हम लोगों ने 42 में से 35 को माइनस करना है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7, 42 में से हम लोगों ने 35 को माइनस किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। अब ये हमारे पास 35 जो है वो 7 से ग्रेटर है, 7 फाइव ज़ार 35, 7 फाइव ज़ार 35, तो हमारा आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 बच गया। अब ये जो हमारा यहाँ पे बचा है आंसर डिवाइज़र आया है, अब हम लोगों ने उसी डिवाइज़र को अपने सबसे जो लास्ट पे वैल्यू रह गई है अब हम लोगों ने उसी से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग इसको 35 को 7 से करेंगे, 7 फाइव ज़ार 35, आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये वाला 35 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 35 जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है मैंने वो वाला जो है वो वैल्यू वहाँ लिखी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 7 बच गया, सबसे लास्ट में हमारे पास 7 आया, तो इसका HCF हमारे पास क्या आ गया 7, इसका HCF हमारे पास क्या आ गया, इसका HCF हमारे पास 7 आ गया। तो 7 हमारे पास आने से मतलब ये कि अब हम लोग अगर 7 को 35, 42 एंड 77 से डिवाइड करेंगे तो ये उसका कंप्लीट डिवाइडेंड होगा, मतलब ये उस पर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समय लग गई। HCF मैंने फाइंड आउट किया है बाय डिवीजन मेथड, प्रीवियस लेक्चर में मैंने HCF फाइंड किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, इस लेक्चर में मैंने किया है मैंने बाय डिवीजन मेथड।
अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स सी और डी पार्ट आप लोगों ने खुद अपनी नोटबुक्स पे ऐसे ही सॉल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। हम लोगों ने एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि डिवीजन मेथड लेने के लिए हमारे पास जो गिवन वैल्यूज होगी, लाइक सपोज के अगर मेरे पास यहाँ पे ए है, ये हमारे पास है 84, 27, 35 एंड 45। ये हमारे पास सारी वैल्यूज को हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट जो है वो सारी वैल्यूज़ को एक साथ लिखेंगे, सारी वैल्यूज़ को हम लोग एक साथ लिख के इसको सॉल्व करेंगे। इसे एक ही हम लोगों ने स्टेप में हम लोगों ने इसको डिफरेंट मतलब इसके फैक्टर्स जो हैं वो हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट नहीं बनाने स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके जो फैक्टर्स हैं वो एक साथ ही बनाने हैं। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको इसका फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है 84, 84 के बाद है हमारे पास 27, 27 के बाद है हमारे पास 35 और 45। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग अपनी इन वैल्यूज़ को सेपरेट सेपरेट लिख के एलसीएम लेते हैं, डिवीजन मेथड में हम लोगों ने अपनी इस वैल्यूज़ का कंबाइन ही एलसीएम ले लेना है। अब हम लोगों ने इसका कंबाइन एलसीएम लिया, तो अब हम लोग करेंगे सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू हमारी 2 से डिवाइड हो रही है उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, जो हमारी वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होगी उसको हम लोग एज इट इज़ लिखते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 42, 27 2 का डिविजिबल नहीं है, 35 भी नहीं है और 45 भी नहीं है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम लोग दोबारा इसको 2 से सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास 42 क्योंकि 2 के टेबल में आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 21, 27 टू फोर जर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 35, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 45। अब हमारे पास 21, 27, 35, 45 ये 2 का डिविजिबल इसमें से कोई भी नहीं है, ये इनमें से बन रहे हैं हमारे पास 3 का डिविजिबल, 37 जर, 39 जर 25, 35 जो है वो हमारे पास 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, 31 जर 3, 35 जर 15, तो ये हमारे पास 315 जर 45 हमारे पास आ गया। अब ये दोबारा 3 पे 2 वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, बाकी नहीं हो रही, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 जर 9, 35 35 जर 15, तो अब इसमें से सिर्फ 3 डिवाइड हो रहा है तो हम लोग इसको सिर्फ 3 को ही डिवाइड करेंगे, 7 एज इट इज़, 31 जर 3, 35 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। अब इसमें से कोई वैल्यू 3 का डिविजिबल नहीं है, सारी वैल्यूज किसका डिविजिबल बन रही हैं हमारे पास 35 का डिविजिबल बन रही हैं, 7 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 7 5 7 जर 35, 5 1 जर 5, तो अब हम लोग यहाँ पे 7 लिखेंगे, तो 7 क्योंकि सारी वैल्यू 7 का डिविजिबल, दोनों वैल्यू 7 का बन रही हैं, तो ये हमारे पास सॉल्व होके आंसर ये आ गया। तो ये हम लोगों ने इसको क्या करना है, अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास ये, 3 हमारे पास ये, 3 ये हमारे पास, 3 हमारे पास आ रहा है, 3 टाइम्स 5 और 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो जब हम लोग इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जर 4, 4 का जो आंसर आएगा उसको 3 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, तो जब हम लोगों ने इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 3718 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? दोबारा से मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जो हम लोगों ने एलसीएम फाइंड आउट किया है वो हम लोगों ने बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट किया है। तो डिवीजन मेथड में हम लोग अपना क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक दफ़ा लिख लेते हैं जो वैल्यू हमारी डिवाइड 2 पे हो रही है उसको 2 पे, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़, फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हमारे पास 2 पे वो डिवाइड नहीं होगी, फिर 3 पे, फिर 4 पे, एज इट इज़। और आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आप लोगों ने अपनी सबसे छोटी वैल्यू से, सबसे छोटे टेबल से हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ को डिवाइड करना स्टार्ट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारे पास नेक्स्ट है
नेक्स्ट मैं इसका बी पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास इसका 14, 15, 21 and 28। इसको भी हम लोग बाय डिवीजन मेथड ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है। तो बी पार्ट में पहले 14, 15, 28। अब हम लोगों के पास जो वैल्यू 2 पे डिवाइड हो रही है, पहले हम लोग वो वैल्यूज डिवाइड करेंगे। 2 7s are 14, 15 एज इट इज़, 21 एज इट इज़। अब 2 1s are 2, 2 4s are 8। सिर्फ एक वैल्यू डिवाइड हो रही है, बाकी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। 7s are, अब कोई वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही, अब किसी को भी 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे। 7 एज इट इज़, 3 5s are 15, 3 7s are 21, 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अभी एक 5 पे हो रही है, 7 एज इट इज़ आ जाएंगे। 5 1s are 5, 7 एज इट इज़, 7 1s are 7, 1 एज इट इज़, 7 1s are 7, 7 1s are 7। तो ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी डिवाइड हो गई बाय डिवीजन मेथड। तो अब हम लोग इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन वैल्यूज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो जब हम लोग इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 60 7s are, हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 4 20। तो एलसीएम हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, 4 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा एलसीएम, 4 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका डी पार्ट। बाकी दो पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन के भी मैंने दो पार्ट आप लोगों को दिए हैं, आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। और नीचे वाले क्वेश्चन के भी दो पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। अब इसका मैं डी पार्ट सॉल्व करूंगी, क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास वैल्यूज क्या दी हुई हैं, 12, 26, 16, 39। अब इसको भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 16, 2 8s are 16, 39। अब हम लोग दोबारा इसको करेंगे 2 से, क्योंकि 6 और 8 जो है वो 2 पे डिवाइड हो रही हैं। 3s are 13 as it is, 4s are 39 as it is, 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3, अब ये फिर 4 आ गया, 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 क्या हमारे, ये फिर हमारा 2 का डिविजिबल होगा, 3 as it is, 13 as it is, 2 2s are 39। फिर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से हम लोग इसको करेंगे, 3 as it is, 13, 2 1s are 2, और ये 39 as it is आ जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास कोई वैल्यू 2 पे डिवाइड नहीं हो रही, 3 पे हो रही है, 3 1s are 3, 13 as it is, 1 as it is, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बच गई वो 13 है। 13 जो है, 13 अपने अलावा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो ये अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता। 13 1s are 13, 1 as it is, 13 1s are 13। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 13। ये पेयरिंग मैंने खुद किया स्टूडेंट्स, के पता चल जाए कि हम लोगों का कोई भी नंबर जो है वो यहाँ पे लिखते हुए मिस ना हो। अगर आप लोगों ने जब ये नंबर लिख लेने तो काउंट कर लेने, यहाँ पे हमारे पास 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 times। यहाँ पे 2 मैंने कितने टाइम्स लिखा, 1 2 3 4 times। आप लोगों ने कंफर्म कर लेना है कि आप लोगों की जो वैल्यूज जो जितने टाइम्स यहाँ पे लिखी हुई हैं वो यहाँ पे भी लिखी हुई हो। तो 3 हमारे पास 1 टाइम है और उसके बाद हमारे पास 13 आ गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है हमारे पास 624। एलसीएम इज इक्वल टू आ रहा है 624। हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, 624। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दे आर सेइंग देयर आर सम पीसीज ऑफ वुड 8 18 मीटर 30 मीटर
एंड 12 मीटर लॉन्ग. द कारपेंटर वांट्स टू कट देम इनटू द इक्वल साइज. व्हाट साइज शुड ही कट देम टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वुड. कि मतलब वो उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता है. तो इन सारे इक्वल पार्ट्स का आप लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका सेपरेट सेपरेट आप लोगों ने इसके फैक्टराइजेशन कर लेनी है. 18 की सेपरेट, 30 की सेपरेट और 12 की सेपरेट. तो इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है HCF. इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है HCF फाइंड आउट करना है. तो हम लोग करेंगे 2 9s are, 3 3s are, 3 1s are, 2 15s are 30, 3 5s are, 5 1s are, 2 6s are, 2 3s are, 3 1s are. तो हमारे पास ये जो वैल्यूज आई, अब हम लोगों ने इसको लिख लेना है. हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, हमारे पास 18 इज इक्वल टू आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 30 आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 12 हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो अब यहाँ पे हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, हमारे पास आ रहा है 2, हमारे पास आ रहा है 3, बाकी कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर्स नहीं आ रहा. तो HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6. इसका मतलब है कि उसका आंसर 6 मीटर में आ रहा है, कि वो 6 मीटर में सारे पीसीस को इक्वली डिवाइड करेगा तो उसका आंसर कंप्लीट होगा. बाकी इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोगों ने सॉल्व करना है. उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज के लेक्चर की समय लग गई होगी. फी अमानिल्लाह, जजाकिल्लाह.